वन टू वन मुकाबला है भैया, वन टू वन, क्या बात है, वाह वाह मजा आ गया। हाँ हाँ, बंदर का खेल, शंकू का खेल, ये मार दिया भैया मैदान। होना शायद मारा, हाँ तेरा हो गए हैं। जगत रखा पर बीच में ये मुकाबला चलता है, बहुत ही अच्छा मुकाबला है और दोनों ही टीमें बहुत मजी हुई टीमें हैं। मैं आपको बता दूं, जो दर्शक देर से आए हैं या जो दर्शक अभी अभी आए हैं उनको बता दूं, आज 8 मुकाबले खेले गए हैं, 16 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें सब पहला मुकाबला सैमी हरचंद और एसटी क्लब डोलरिया के बीच में हुआ, जिसमें डोलरिया विजय रहा। दूसरा ठाकुर क्लब सहरा और चंदेरी के बीच हुआ, जिसमें चंदेरी विजय रहा। तीसरा खपरिया और कांती के बीच में हुआ, जिसमें खपरिया विजय रहा। चौथा अजब और बिछुआ के बीच में रहा, जिसमें बिछुआ विजय रहा। चौथा खरपापड़ और मगरिया के बीच में रहा, जिसमें खरपापड़ विजय रहा। छठवा मुकाबला खुटिया और उदौर के बीच में हुआ, जिसमें उदौर विजय रहा। सातवा मुकाबला बरतुई भाषापा के बीच में रहा, जिसमें बरतुई विजय रहा। और आठवां मुकाबला इस समय चलता हुआ पिपरिया और नगर प्रखापा के बीच में, दोनों ही बहुत ही शानदार टीम है, पूरी ड्रेसअप में टीम दिखाई दे रही है जो पिपरिया की टीम है। और क्या शानदार तरीके से कैचअप किया हमारे, बहुत ही शानदार तरीके से, तो अपने हुनर बताना चालू कर दिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाल ऐसा लग रहा है, बहुत ही शानदार। और दर्शकों का भरपूर आनंद लेते हुए दर्शक भी, और पिपरिया पूरा मनोरंजन कर, वो वहां पर एक खिलाड़ी को उन्होंने नोच लिया है, झटक दिया है, अपनी झोली में एक अंक डाल लिया है। बहुत ही अच्छा खेल रही, सिस्टम से खेल रही है, तरीके से खेल रही है, नियम से खेल रही है पिपरिया टीम, 2-2-1। और पिपरिया यदि आज नहीं खेलती तो हमें लगता नहीं कि पिपरिया इतना अच्छा खेलती है। अगले मुकाबले के लिए हम तैयार रखेंगे पिपरिया को, किससे खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी टीम की आवश्यकता है, बहुत अच्छी टीम। 4 पॉइंट, तुझे 5वां पॉइंट ले लिया, बहुत अच्छा कैच है भाई, 5 पॉइंट से आगे हो गई है पिपरिया की टीम। वो वहां पर एक खिलाड़ी को उन्होंने नोच लिया है, झटक दिया है, अपनी झोली में एक अंक डाल लिया है। बहुत ही अच्छा खेलती, सिस्टम से खेल रही है, तरीके से खेल रही है, नियम से खेल रही है पिपरिया टीम, 2-2-1। और पिपरिया यदि आज नहीं खेलती तो हमें लगता नहीं कि पिपरिया इतना अच्छा खेलती है। अगले मुकाबले के लिए हम तैयार रखेंगे पिपरिया को, किससे खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी टीम की आवश्यकता है, बहुत अच्छी टीम। 4 पॉइंट, तुझे 5वां पॉइंट ले लिया, बहुत अच्छा कैच है भाई, 5 पॉइंट से आगे हो गई है पिपरिया की टीम। तो नगतरा भी ऐसा अपना तेवर दिखाएगी, लेकिन यदि समय रहते भी आप यदि लौट आए तो, क्योंकि पॉइंट बनते रहना चाहिए लगातार, यदि आपने पॉइंट छोड़ दिए तो मैच छूट जाता है, इसलिए लगातार पॉइंट बनते रहना चाहिए। एक बार फिर आते हुए नगत्रा खापा के भारी भरकम खिलाड़ी हैं, 5.5 फुट के, बहुत अच्छा। कितने मिनट बचे हैं भैया हाफ टाइम में? 2 मिनट बचे हैं हाफ टाइम में, बहुत अच्छी शानदार रेट चल रही है, और कैचिंग बहुत अच्छी पिपरिया की, और नगद रखा पर रेट करती हुई, और पीछे बैकअप भी कर रहे हैं वहां पर, और क्योंकि साइड लाइन के बाहर भी नहीं जाना है, अंदर खेलना है मैदान, जो ब्लू लाइन बनी हुई है उसके बाहर नहीं जाना है। एक बार फिर रेडर पिपरिया, पाले में ब्लू लाइन को टच किया है, इसको जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा उसको टच करना बहुत जरूरी रहता है। पीछे वाली रेखा में यदि 6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी हैं तो ब्राउन रेखा जो बनी हुई है उसको टच करेंगे तो एक बोनस पॉइंट मिलेगा। बहुत अच्छा, क्या लपका है भाई, मान गए भाई, मान गए, क्या डाइव मारी है, हो गई यार, हाथ मिला लो, हो गई, एक पॉइंट मिल गया, शानदार। और हाथ क्या टाइम आउट, बहुत बढ़िया, अच्छा ताव देते हुए लपक लिया है, छोटी सी भी भूल और पिपरिया किया है, बहुत बढ़िया, अच्छी फ्लाइंग इस मामले को लपेट में थे थोड़ा लेग से, अंदर काफी हद तक वहां में लेकर दिया से अंदर खेल लिया है, मार दिया भैया मैदान। होना शायद मारा, हाँ लपेट लिया है, 13 हो गए हैं, बहुत ही अच्छा भैया, पिपरिया दिल जीत रही है यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नगतरा को कम बैक करना पड़ेगा, नगतरा कम बैक करो,
ये भी मुकाबले वहां पे जा सकते हैं। जाने दो ब्राउन लाइन, जो पीछे वाली लाइन है ब्राउन लाइन, उसमें जाने दो, उसके बाद पकड़ो। आप पहले ही पकड़ लोगे तो 6 फुट का खिलाड़ी और लाइन पे गिर पड़ेगा तो हो जाएगा। कैच लिया भैया, उठा दिया है। 15 पॉइंट पिपरिया। और भैया ऐसी ठंड में गर्मी आ गई, मजाक नहीं। और हमें भी घूम के जाना हो भैया। नंदू भैया भी कह रहा सुबह से बैठे रहे, घर जान दो, गर्मी बहुत हो गई।